दोस्तों इस वीडियो में हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाना सीखेंगे, वो भी एडोब फोटोशॉप 7.0 में। तो मेरा एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन है और यहाँ पे मैं पिक्चर लूंगा। तो पिक्चर लेने के लिए हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ओपन ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप साइट पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे अपनी फोटो सर्च कर सकते हैं आसानी से। मैं अपनी जो फोटो ले रखा हूँ वो डेस्कटॉप साइट पे ही ले रखा हूँ, तो आपको ये शो कर रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओपन कर दूंगा। इस फोटो के पीछे मैंने ग्रीन पर्दा लगाया, उसके बाद ये फोटो ली गई है। आप जब भी कोई फोटो ले पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए तो बैकग्राउंड आपका एक कलर का होना चाहिए। आप ग्रीन स्क्रीन पर्दा या सिंपल किसी दीवार के पीछे फोटो ले सकते हैं। जब आपका बैकग्राउंड एक कलर का होगा तो आप बैकग्राउंड कलर आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो मैंने एक फोटो ले लिया है, उसके बाद आप इस फोटो पे क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आप क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको ये शो होने लगता है कि आप इसकी हाइट विथ क्या रखेंगे। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो बना रहा हूँ तो मैं इसका विथ 3.5 सेंटीमीटर रखूंगा, हाइट 4.5 सेंटीमीटर, रेजोल्यूशन हम 300 रखेंगे। अब सिंपली इस फोटो पे आएंगे और इसको हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी सिलेक्शन बन रहा है वो राइट या लेफ्ट जो आपका कंधा है उसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये परफेक्ट सिलेक्शन बन गया है। अब अपने हम कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका ये सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से बन गया है। दूसरा काम इसमें क्या करना है कि हम जो इसमें ग्रीन आपको दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड, इसको अगर हमें हटाना हो तो क्या करना है, तो सिंपली आप मैजिक वांड टूल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शीट बटन प्रेस की रहिए और यहाँ पे सिंपली अपने माउस को एक बार क्लिक कीजिए तो आपका ये इतना सिलेक्शन बनेगा। फिर आप शीट बटन छोड़िए नहीं, दबाए रखिए, यहाँ पे फिर अपने माउस को क्लिक कीजिए तो आपका इतना सिलेक्शन बन जाएगा। फिर जो छुटा हुआ है आप सिंपली यहाँ क्लिक करिए तो आपका ये भी सिलेक्शन बन जाएगा। अब आप अपने शीट बटन को छोड़ सकते हैं। मैंने शीट बटन यहाँ पे छोड़ दिया है, पर यहाँ पे बाल जो है हमको हल्का सा काटना है तो ये मैजिक वांड टूल से नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लॉसो टूल का इस्तेमाल करूंगा। मैं यहाँ गया, लॉसो टूल पे क्लिक किया, आपको शिफ्ट बटन दबाए रखना है। मैं यहाँ पे शीट बटन फिर से दबा देता हूँ। अब आप यहाँ पे जो भी पार्ट आपको हटाना है उस पे आप सिलेक्शन बनाइए और जहां सिलेक्शन आपने बनाना शुरू किया वहां लाके इसको छोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा कट हो गया। अब आप कलर पैलेट में आइए, अब आपको बैकग्राउंड जो भी कलर चेंज करना है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर चूज कर रहा हूँ वो ब्लू चूज कर रहा हूँ और यहाँ से हम ओके कर दे रहे हैं। सिंपली आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और डिलीट प्रेस करिए तो आप देख सकते हैं कि आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको हम अनसेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी से, तो हमारा ये सिलेक्शन अनसेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें इस फोटो पे बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर लगाने के लिए हम कंट्रोल ए करेंगे इसी फोटो पे रह के और उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रोक पे आएंगे तो यहाँ पे जो विथ हमें रखना है वो 8 पिक्सल में दे रहा हूँ। कलर ब्लैक, लोकेशन सेंटर और मूड नॉर्मल, ओपेसिटी हम 100% रख रहे हैं और यहाँ से हम ओके करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो हमारा सिलेक्शन अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि फोटो में इसका बैकग्राउंड भी मैंने चेंज कर दिया है और इस पर बॉर्डर भी लगा दिया है और पासपोर्ट साइज जो हमें बनानी थी साइज की 3.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ और हाइट 4.5 सेंटीमीटर, वो हमारी फोटो प्रॉपर बन के रेडी है। अब हम यहाँ से A4 साइज पेपर लेंगे जहाँ पे हम फोटो को प्रिंट कराते हैं। A4 साइज पेपर लेने के लिए सिंपली हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो प्रीसेट साइज है कस्टम इसको हम A4 कर देंगे और यहाँ पे जो कंटेंट है इसको वाइट रखना है, आपको मूड RGB रखना है और इसका विथ हाइट और रेजोल्यूशन है जब आप A4 साइज यहाँ प्रीसेट सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये ले लेता है। अब सिंपली आपको ओके कर देना है तो आप देख सकते हैं कि आपका A4 साइज पेपर यहाँ पे आपको मिल गया है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये हमारा रूलर ऑन था, अगर आप में रूलर ऑन नहीं है तो आप सिंपली कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आपका रूलर यहाँ पे ऑन मिलेगा। रूलर लगाएंगे ऊपर से और लेफ्ट एंड राइट दोनों से लगा देंगे। रूलर लगाने का ये फायदा होता है कि हमारी फोटो एक सीध में बनती है, ऊपर नीचे नहीं होती है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले लेयर पे आएंगे जहाँ पे मेरी फोटो बनी है और मूव टूल पे सिलेक्ट करेंगे और इस फोटो को यहाँ पे इस वाले A4 साइज पेपर में यहाँ पे ड्रैग करेंगे। सिंपली आप माउस को दबाए रहेंगे और यहाँ पे लाके इसको छोड़ देंगे। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में प्रॉब्लम आ रही है तो
तो आप सिंपली इस फोटो पे आइए और कंट्रोल ए करिए, ऑल सेलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी, और सिंपली यहाँ आके कंट्रोल वी कर देंगे, वी कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब इस फोटो को हम कट कर सकते हैं यहाँ से, इसको हम कट कर देंगे नो, और इस फोटो को हम बीच में सेंटर में लाएंगे। अब सिंपली आप यहाँ पे ऑल प्रेस करेंगे तो ये इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा और इसको हम आगे की तरफ खींच देंगे। फिर सिंपली हम छोड़ देंगे ऑल्ट को, फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे और एक डुप्लीकेट बन जाएगा, इसको हम एक आगे कर देंगे राइट साइड। फिर आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप एक फोटो का डुप्लीकेट बनेगा, इसको भी हम आगे खसका देंगे। उसके बाद सिंपली फिर ऑल्ट आप प्रेस करेंगे तो एक डुप्लीकेट बन जाएगा, इसको आप यहाँ पे हम इसको खसका दे रहे हैं। रूलर चाहें तो आप इसके एकदम लगा दीजिए इसके फोटो में लेफ्ट साइड में। उसके बाद आप लेयर पैनल में आइए, यहाँ पे आपको लॉक लगाना है, इसको लिंक करना है आपको लिंक्ड, तो हम यहाँ पे लॉक लगा देते हैं सारे लेयर में 1 से लेके 3 में। उसके बाद आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सारी लेयर मर्ज हो जाएंगी आपस में। अब सिंपली आप फोटो पे आइए, ऑल्ट प्रेस करिए, देखिए आपकी कॉपी बन गई। अब आप जब आगे नीचे तरफ खींचेंगे तो पांचों फोटो एक साथ में आपकी कॉपी होगी। सिंपली फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको आप नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर सिंपली आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको खींचेंगे नीचे की तरफ, सिंपली ये, और यहाँ पे मैं इसको ये लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये A4 साइज में 30 फोटो बनके रेडी है। अब इसको आपको प्रिंट कराना है तो कंट्रोल पी करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू है, तो आप आसानी से A4 साइज पेपर में आप 30 फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट जैसे ही करेंगे आपका फोटो वहाँ पे निकल जाएगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।